नमस्ते। ओशोज़ एंड टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज की, और कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज को हम कंपेयर कर रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा समझेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक भिखारी को जो है कुछ पैसे देते हुए दिख रहा है, और एक दूसरा भिखारी भी जो है हाथ फैलाए जो है वहाँ बैठा हुआ है। अक्सर जो है इस कार्ड को देखा जाता है कि ये कार्ड ऐसा है कि जहाँ पे आपको दान की महिमा बताई जा रही है, चैरिटी की बात की जा रही है, एक तरह का पॉजिटिव एक्ट होता हुआ जैसे दिख रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कार्ड को जो है सिर्फ हम बुकिश नॉलेज तक जो है ना देखें। हमें कार्ड्स को जो है अंधों की तरह जो है उसको इंटरप्रेट नहीं करना है, उसके गहरे मीनिंग में जाना है, उसको समझना है कि एक्चुअली में वो क्या है। अगर आप कार्ड में देखेंगे ध्यान से कि ये जो व्यक्ति जो है जो धन देता हुआ दिख रहा है, साथ में जो है उसने स्केल्स भी पकड़े हुए हैं, स्केल्स यानी तराजू, जिसका सिंबोलिज्म ये आता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो बड़ा नाप तोल के दे रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति जो है इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति जब पैसा लेता है तो वो भिखारी की तरह ही हो जाता है, वो भीख ही मांगता है। और जिस तरह से फिगर में दिखाया हुआ है कि वो उस भिखारी को जो है एक नीची नज़र से देख रहा है। कार्ड की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं छोटी सी बात आपको ज़रूर कहना चाहूंगा, छोटी सी बात दान की महिमा की, कि दान कुछ ऐसा होता है कि जब आप देते हो तो वहाँ पे जो है हिसाब किताब नहीं होता है। असली देना कुछ ऐसा है कि जहाँ पे जो है आप बस दे देते हो और लेने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे जो है जिस तरह का दान दिया जा रहा है वो एक भिखारी को दिया जा रहा है। असली दान जब आप देंगे तो वहाँ पे भिखारी की बात ही नहीं होती, आप अपने प्रेमी को देते हैं, वो प्रेमी से लेने की कोई बात ही नहीं होती। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज के साथ। कुछ तत्व जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कॉम्प्रोमाइज के साथ जो है जुड़ते हैं, मिलते हैं, क्योंकि अगर हम उस भिखारी को देखें उस फिगर में तो वो एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में है। वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी आत्मा का, अपनी आत्मनिष्ठा का, अपने आत्मसम्मान का, कि दूसरे के सामने जो है आपने जो है हाथ फैला दिए। एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में जो है आप आ गए। एक भिखारी जो है जब हाथ फैला रहा है वो ये नहीं देख पा रहा है कि उसको जो है जो देने वाला है वो कोई और है, कि उसको जो है हमेशा से किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी तल से, किसी ना किसी सोर्स से उसके पास जो है कुछ ना कुछ आता रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस सोर्स के साथ जो है ट्रस्ट रखना कि मेरी आज टेक केयर हुई है तो मेरी कल भी टेक केयर होगी। और जो ये ट्रस्ट खो देता है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो इसलिए इस फिगर में जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति दिखाई गई है, अगर हम भिखारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो चलिए अब बात करते हैं द कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ के फोटो में हम देख सकते हैं कि जापान के एंशियंट कोर्ट्स में जिन लोगों को नियुक्त किया जाता था, जिनको मेल अटेंडेंट्स बोलते हैं, ये वो लोग होते थे जो क्रिमिनल्स होते थे, और इनको निपुंसक बना के जो है इनको कोर्ट के अंदर जो है इनको एडमिट कर दिया जाता था। ये लोग जो है अच्छी खासी जो है इनकी पॉलिटिकल पोजीशन होती थी और इनके पास पावर होती थी, लेकिन उस पोजीशन के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ से गुजरते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ऐसा है कि जो उनकी लाइफ को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता, क्योंकि लाइफ जो है पूरी झूठ हो जाती है। कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ जो है हमारे को ज़िंदगी के प्रति जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए बोलता है। गुरु ओशो बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा, मैं अपने जीवन को जो है किसी भी ढंग से जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। राजा के दरबार में दो औरतें एक बच्चे को लेकर जो है आई, और दोनों का झगड़ा ये था कि ये बच्चा जो है मेरा है। इन औरतों के पति जो है युद्ध में मारे जा चुके थे, इसलिए दोनों में यही झगड़ा था कि ये बच्चा जो है ये मेरा है। तो दोनों जो है न्याय मांगने जो है राजा के पास गई। राजा ने अपने खास वजीर से जो है इसके बारे में जो है मशवरा किया। वजीर ने थोड़ा कुछ सोचा और बिना राजा से पूछे जो है एक बात उसने बोल दी कि देखो, मैं समझता हूँ कि ये बच्चा जो है तुम दोनों का है, इसलिए इस बच्चे को काट के जो है मैं आधा आधा कर देता हूँ, तुम दोनों बांट लेना। राजा को तो समझ ही नहीं आया कि ये वजीर क्या बोल रहा है, लेकिन वो चुपचाप देखता रहा। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, वजीर ने जो है राजा की तलवार निकाल ली और बच्चे को जो है वो काट नहीं जा रहा था। इससे पहले राजा कुछ कहे, उसमें से एक औरत जो है भागती हुई आई। उसने बोला,
कि ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा इसी का है, इसको दे दो। वजीर ने वो बच्चा जो है उस औरत को दे दिया जो भागते हुए उसके पास आई। राजा ये पहेली नहीं समझ पाया। राजा ने कहा, ये तुमने कैसे जाना कि ये बच्चा जो है इसका है? तो वजीर ने कहा कि एक माँ कभी भी नहीं चाहेगी वो अपने बच्चे को काट सके, वो या तो उसको पूरा चाहेगी या फिर वो जो है उसको किसी और को दे देगी, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। और अगर आप उस दूसरी औरत को देखो, वो आधा मरा हुआ बच्चा देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन ये औरत, क्योंकि उसके अंदर माँ का हृदय है, माँ का प्रेम है, उसके हृदय ने कहा कि मैं सैक्रिफाइस करना ज़्यादा पसंद करूँगी, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। तो सत्य भी कुछ ऐसे ही है। जब सत्य आपके जीवन में आना शुरू होता है तो आप उसके प्रति कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप उसको पूरा ही चाहेंगे, आप उसको अधूरा नहीं चाहेंगे। फिर एक घटना है अल-हिल्लाज मंसूर की, जो कि चिल्लाता था अनल हक अनल हक। अनल हक का मतलब होता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ। उसका गुरु जुनेद उसको बार बार रोकता था, टोकता था, उसको बोलता था कि देख, मैं समझता हूँ तेरे भीतर से ये उद्घोष उठता है कि गहरे ध्यान में तुझे ये अनुभूति होती है कि तू खुद परमात्मा है। मैं समझता हूँ इस बात को, ये मेरा भी अनुभव रहा है, लेकिन तू इस बात को जो है बंद कमरे में कहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर तू बाहर कहेगा ये सब बातें तो तू भी फंसेगा, मैं भी फंसूंगा, तू भी अपनी जान गंवाएगा, मैं भी अपनी जान गंवा दूंगा। लेकिन मंसूर बोलता कि मैं करूँ क्या, जब मेरे भीतर से उद्घोष उठता है, जब मेरे भीतर जब वो आता है तो मेरा खुद का बस नहीं रह जाता। इस छोटे से अहंकार का जो है क्या बस रह जाएगा, इस छोटी सी बूंद का जो है क्या वश रह जाएगा जब सागर जो है मेरे अंदर आ जाएगा, तो सागर की मर्जी ही चलेगी। खैर, मुस्लिम देश, तो वो जल्दी ही पकड़ा गया और उसको जो है सजाए मौत दी गई, उसको चौराहे पे जो है काटा जा रहा था और लोग जो है उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। उस भीड़ में जुनेद भी आया था उसको चुपचाप देखने के लिए। वो उसके सपोर्ट में तो आ नहीं सकता था, क्योंकि सपोर्ट में आता तो मारा जाता, तो बड़ा छुप के आया। और लोग जब पत्थर फेंक रहे थे, उसे पत्थर फेंकने के बजाय जो है मंसूर के ऊपर जो है फूल फेंका। अब तक जो है मंसूर जो है वो हंस रहा था खिलखिला के, वो इस बात पे हंस रहा था कि जिसको तुम मार रहे हो वो मैं हूँ ही नहीं, और जिसको तुम मारने की कोशिश कर रहे हो वो कभी मर नहीं सकता। लेकिन जब फूल जो है उसको आके लगा तो वो झारझार रोने लगा। किसी ने भीड़ में पूछा कि मंसूर तुम अजीब हो, अब तक लोग तुम्हें पत्थर मार रहे थे, तुम हंस रहे, और अब किसी ने तुम्हें फूल मारा है, तुम रोने लग गए। तो मंसूर ने कहा, जो लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं वो मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन जिसने मुझे फूल मारा है वो मुझे जानता है, और वो छुप रहा है इस भीड़ के अंदर, और मुझे जो है उसके प्रति दुख होता है, उसके प्रति रोना आता है, कि क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, क्योंकि वो अपने सत्य को जो है स्वीकार नहीं कर। तो अब मुझे जो है जो बात समझ में आती है कि उसका अनुभव सच नहीं है इसका मतलब, क्योंकि अनुभव उसका सच होता तो उसने परवाह नहीं की होती इस शरीर की, वो सबके सामने आता और मुझे स्वीकार करता, लेकिन दुख की बात यह है कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। और यही चीज़ जो है आपको अपने आप से पूछनी, क्या आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जो जो आप यहाँ करने के लिए आए थे? जिन कामों में, जिन चीज़ों में आप पड़ गए हो, क्या आप इसी के लिए बने थे? क्या आपकी लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई है? कि जो लाइफ में एक संतुष्टि होनी चाहिए, क्या वो आपके जीवन में खट गई है? या फिर आप अपने काम धंधे में, घर और पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि आप अपने आप को भूल गए हैं कि आप यहाँ क्यों आए थे, कि आपका पर्पस क्या था? ये सब सवाल जो है आपको अपने आप से पूछना होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ तब तब होता है जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं जीते, जब आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते, जब आप भीड़ का जीवन जीते हैं, जब आप दूसरे का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को स्वीकार करना शुरू करेंगे, आपके अंदर जो है आपका एक रिबेलियस नेचर जो है प्रकट होगा, एक क्रांति आपके भीतर घटेगी। वो क्रांति अपने भीतर को स्वीकार करने की, अपने जीवन को जीने की जैसा वो जीना चाहता है, फिर उसके लिए कुछ भी कीमत हो उसको स्वीकार करना और उसको जीना। तो
तो आप देखेंगे कि जब ये चीज़ घटनी शुरू होती है, प्रभु चुपके से आपके भीतर जो है आना शुरू हो जाता। वो हर वक्त आपके साथ रहता, हर वक्त आपको सपोर्ट करता है, हर वक्त आपका ख्याल रखता है। तो भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन भगवत्ता है कि वो उसकी जो ऊर्जा है वो हर तत्व में है, उसका अनुभव जो है आपको होना शुरू हो जाता। ग्रीस में सुकरात के साथ भी यही हुआ। सुकरात को पकड़ लिया गया और सुकरात को बोला गया कि देखो, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम जो बोल रहे हो वो युवकों को भड़का रहा है। तुम ये सब कुछ बोलना बंद कर दो तो हम तुम्हें जीने देंगे, या फिर तुम जो है एथेंस छोड़ के चले जाओ। सुकरात ने कहा, एथेंस जैसी जगह जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सुसंस्कृत हैं, अगर मैं यहाँ अपनी बात नहीं बोल सकता तो और मैं कहाँ बोल सकता हूँ? तो मैं सत्य को बोलना बंद नहीं करूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मुझे मृत्यु स्वीकार है। जो लोग उसका डिसीजन कर रहे थे, जो जजेस थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी सुकरात को बचाने की, क्योंकि वो खुद उसके प्रेम में थे। लेकिन सुकरात ने कहा कि अगर मैं अपने सत्य को नहीं बोल पाऊँगा, अगर मैं अपना गीत नहीं गा पाऊँगा, तो फिर मैं ज़िंदा रह के भी क्या करूँगा? अच्छा है कि तुम मुझे मृत्यु ही दे दो। और वही हुआ, सुकरात ने जो है जहर का प्याला जो है वो स्वीकार किया। उसने मरना ज़्यादा पसंद किया। उसने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जो मेरे भीतर की अनुभूति है उसको तो मैं बोल के रहूँगा, उसको तो मैं एक्सप्रेस करूँगा। अगर मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, इससे अच्छा है कि ये शरीर जो है तुम ले लो। तो ओशो का जो कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड है वो बहुत गहरा मीनिंग रखता है। वो आपको एक चैलेंज देता है, वो आपकी लाइफ में जो है आपको जो है जागने के लिए बोलता है कि अब तक जो है आपने जीवन जैसे भी जिया वो जिया, लेकिन अब भीतर जो है एक संकल्प का जन्म होने दीजिए कि मैं जाग के जीऊँगा, कि मैं अपने जीवन का फूल जो है खिलाऊँगा, कि मैं भीड़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो इस वीडियो के थ्रू जो है सिर्फ आपको जो है शब्द नहीं दिए जा रहे, कुछ बड़ा अप्रकट जो है वो भी जो है आपकी तरफ जो है भेजा जा रहा। तो अगर इस बात में कुछ भी सत्य है तो आपको जो है छुएगा और आपके अंदर जो है वो बदलाव लाएगा, आपके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।